Tingalala. Tingalala. Bread ki delivery aa gayi. ये रहा आपका बिल। क्या 30,000 रुपए? ये क्या बकवास है? तुमने लूट मचा रखी है लूट। पैसे बचाने का एक तरीका है मेरे पास। और वो तरीका क्या है? जो हमें आजाद कर दो, खाना अपने आप कम लगेगा। अच्छा मजाक था। इसमें तो छेद है, आर पार दिख रहा है। मैं मंदी चल रही है जो, जब तक सरकार बजट नहीं बढ़ाती इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतने से तुम्हारा क्या होगा? ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब, इसका कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, गांव वालों के अलावा यहाँ और कोई ब्रेड नहीं बनाता। एक मस्त वाला आइडिया आया मुझे। क्या तुम्हें ब्रेड बनाना आता है? अरे हम तो बेकरी में काम करते थे, हर तरह के ब्रेड बनाते थे और पैसे तो ना के बराबर समझो जेलर साहब। तुम लोग कितने संस्कारी हो। जो तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ, और साथ में मेरी पॉकेट भी। भैया जेलर मान गया, हमें ब्रेड बनाना होगा। पहले हम एक नकली ब्रेड बनाएंगे जिसमें मैं बैठकर कल्टी करूंगा और फिर तुम्हें वापस लेने आऊंगा। इतना बड़ा ब्रेड? हाँ मेरे भाई, पहले ब्रेड गांव के गरीबों को दिया जाएगा। चिंगलाला हो, चिंगलाला हो, चिंगलाला हो, चिंगलाला हो। सॉरी जादूगर जोजो, हम हमारा खुद का ब्रेड बना रहे हैं, देखना चाहोगे? बनाने वाले से खाने वाले तक बीच में कोई सेल्समैन नहीं। तो तुम समझ गए ना, ऐसा ब्रेड बनाओ जिसमें मैं छुप सकूं। ठीक है जो। ये कौन है? भूत? नहीं शेरू, तुम बहादुर हो, सामने कोई भी आ जाए तुम्हें डरना नहीं है। मैं अभी अपने हथियार लेकर आता हूँ। जो कहाँ गया है? जो ब्रेड बन रहा है। क्या? जो पहले ब्रेड को बनाना था, फिर जो को उसके अंदर डालना था, तुमने भाई को ही पका डाला। ये मेरे काम आ सकता है। शायद मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मेरे पंजे ही काफी होंगे। हाँ। अरे भाई इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे साइज का ब्रेड बनाया है, चले जाओ, मस्त गर्मा गर्म है। अगर कोई पूछे तो कहना कि जल गया था इसीलिए आराम कर रहा है। मैंने ये क्या देख लिया? वो सफेद आदमी कौन है? गरीबों में खाना बांटना ही तो हमारे अच्छे संस्कार हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ब्रेड देने बाहर किसी और को जाना चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास। इस ब्रेड के अंदर कोई तो छिपा हुआ है। नहीं 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 शेरू नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अंदर ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना? चुप रहो लंबू चाल। गांव वालों से ब्रेड नहीं खरीदा तो उन्होंने जंग छेड़ दी है। हमला कर दिया ऐसा। तुम्हारा ब्रेड महंगा है, जाओ कहीं और जाकर बेचो इसे।
प्लीज यहाँ से चले जाओ। पहले हमारा ब्रेड खरीदना पड़ेगा। नहीं, हमारा ब्रेड बहुत अच्छा है, कैदियों को पसंद है। वैसे गांव का ब्रेड ज्यादा अच्छा होता है। क्या कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ के ब्रेड में ये खाना पड़ता है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। कल्टी खाता हूँ मैं। रुक जाओ अजनबी, रास्ते से हट जा गोचर। ये क्या हो रहा है? देखा, हम लोग ब्रेड की डिलीवरी करके आते हैं। तो कल मेरे ब्रेड की डिलीवरी कर दोगे जोजो? हो गया, मैं बाहर निकल गया, अब मैं बिंदास यहाँ से जा सकता हूँ। एनुअल प्रिजन गार्ड फंक्शन। कसरत करना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंच फ्राइज नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। नाश्ते में फ्राइज बस 2-3 घंटों के लिए। सब कुछ तोड़ देंगे। क्या सब मेरे साथ है? नहीं, मेरे जेल में किसी को कभी भी फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं मिलेंगे। सॉरी। लेकिन क्यों नहीं? बाकी जेलों में तो मिलती है। क्या तुम जानना चाहती हो क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। डर लगता है? ये कैसे संस्कार है? जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे फ्राइज इतने पसंद थे कि माँ मुझे रोज खाने में देती थी। एक दिन फ्राइज पापा ने बनाई, लेकिन फ्राइज इतनी लंबी बनाई कि मेरे गले में अटक गई। बस उस दिन से मुझे फ्राइज से नफरत हो गई है। आप पहले इंसान हो जिसे फ्रेंच फ्राइज से डर लगता हो। क्या हुआ? पता चला जेलर डरता है और वो भी फ्रेंच फ्राइज से। लेकिन इससे हमारी भागने में क्या मदद हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगा। अगर हम उसे फ्राइज दिखाकर डराएं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और हम भाग जाएंगे और फ्राइज बनाने का सामान हमें जादूगर जोजो के पास से मिल जाएगा। फ्राइज लिखने का कोड कितने बादल है? 100 लीटर ऑलिव ऑयल, 50 किलो आलू, नमक, केचप, ठीक है। डाल्टन्स को सामान डिलीवर करना है। इन्हें वेस्ट मत करना, बस इतने ही आलू बचे हैं। चलो भाइयों, फ्राइज बनाते हैं। फ्राइज, फ्राइज की खुशबू। सावधान, सभी सावधान। जाके पता लगाओ मेरे जेल में फ्राइज बनाने की हिम्मत किसने की। मुझे डर लग रहा है। फ्राइज की खुशबू आ रही है। गैर कानूनी फ्राइज तुम यहाँ बना रहे हो क्या? आई, चलो निकलो यहाँ से, ये कोई ढाबा नहीं है। क्या, मैं जेलर साहब को सब बता दूंगा। अच्छा, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था। वेलकम। बस बहुत हुआ, हमारे पास ज्यादा फ्राइज नहीं बचे। अच्छा, तो तुम हो? इस सजा के लिए तुमको काल कोठरी में डाला जा सकता है मालूम। लेकिन तुम हमें कुछ फ्राइज दे दो तो हम ये बात भूल जाएंगे। हाँ। हम लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर, प्रॉमिस। मगर
मुझे तो खुशबू कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं जेलर साहब, हम तो आपके सच्चे और सबसे अच्छे गार्ड्स हैं। ओए सब खत्म हो गया और जो जो के पास ये आखिरी आलू थे अब क्या करें? ओए एक मस्त आइडिया, क्या तुम जेलर साहब के फ्राइज के डर को दूर करने में मेरी संस्कारी मदद करोगे? तुम ये क्या बनाओ? केचप की बोतल। कम मक्कल। अच्छा तो सबको याद है ना क्या बोलना है? ठीक है शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज क्या चाहिए तुम्हें? हम सबों को यहाँ से बाहर निकालो। मतलब क्या? मतलब इस जेल से बाहर हमें जाने दो। ठीक है मैं बाहर निकालता हूँ। समझ नहीं आया, जेलर साहब फ्राइज से डरते हैं तो हम लोग कॉस्ट्यूम कहाँ पहने? यही तो संस्कार है, हम उनके अच्छे दोस्त बनकर जाएंगे ताकि उनका डर निकल जाए। काम हो गया भैया, आजादी। अब जाओ और मुड़कर वापस मत आना। अरे ये एक्स्ट्रा डब्बे कहाँ से आ गए? ये लोग कौन है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हर जगह फ्राइज ही फ्राइज दिख रहे हैं। नहीं जेलर साहब, हम आपके साथ हैं। मैं कहाँ हूँ? मिस बेटी, ये आप हैं? फ्राइज को कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? फैंसी ड्रेस है क्या? ये कौन है? हम फ्रेंच फ्राइज हैं। अगर हमें जाने नहीं दिया तो देख लेना जेलर। इन्हें अपने पिंजरे में वापस डाल दो। नहीं, हमें आजादी चाहिए। शेरों ने भागने से रोको। क्या बात है, खाना खाने के बाद राउंड मारने से वजन कम हो जाता है। मार्केट में नए आलू आ गए हैं। थैंक यू जादूगर जो जो, तुम्हारी डिलीवरी ऑन टाइम होती है। इतने सारे आलू का अब क्या करें? फ्राइज द ढाबा खोलते गोचू। और याद रहे दिन में 5 फल और सब्जी खाना जरूरी है। थोड़ा और ऊपर भाइयों, हम आजादी के करीब बस पहुंच चुके हैं। अरे वाह एक्रोबेट्स, मुझे नहीं पता था यहाँ सर्कस का शो चल रहा है। मुझे भी कुछ करतब दिखाने आते हैं, देखना चाहोगे क्या? ये देखो। अच्छा था ना, एक और स्टंट दिखाऊं तुम्हें? खाना तैयार है। आओ और संस्कार सिखाओ बच्चों। पता है ये मैंने खुद बनाया है। खाना आपने क्यों बनाया जलर साहब? रसोईया कहाँ चला गया? मेयर के कहने पर टाउन एनिवर्सरी के लिए खाने की तैयारी हो रही है। हमारा शेफ बहुत बिजी है, शायद उसे एनिवर्सरी स्पेशल केक बनाने तक का टाइम नहीं। ऐसा क्या? मस्त वाला आइडिया भाइयों, हम एनिवर्सरी के लिए बड़ा केक बनाएंगे और उसमें बैठ कर हम जेल के बाहर निकलेंगे और मिलेगी आजादी। स्मार्ट आइडिया ना। केक बनाओगे? अजीब बात है, ऑलरेडी बहुत कैदियों ने केक बनाने के लिए प्रस्तावना दे रखी है। हाँ। ये मेरा आइडिया था। शायद मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। रुक जाओ। क्यों ना हम एक कुकिंग कॉन्टेस्ट रखें जो सब
सबसे स्वादिष्ट केक बनाएगा वही टाउन एनिवर्सरी का केक भी बनाएगा। एक्सलेंट आइडिया, मैं बात से सहमत हूँ, कॉन्टेस्ट शुरू किया जाए। तो यहाँ तुम केक बनाओगे और गार्ड्स तुम पर नजर रखेंगे। क्या हम कॉन्टेस्ट जीतने वाले हैं? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इन घोचों ने कभी किचन में पैर रखा होगा। तो कौन संस्कारी क्या बना रहा है? मैं हिमालयन संतरे के आउटफिट में क्रीम और डार्क चॉकलेट कुकी केक बनाने की सोच रहा था। और मैं सोच रहा था एक रास्पबेरी मूस फ्लैन जिसके बीचों बीच गांव के फूल सजेंगे। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। और तुम डाल्टन्स? हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे संस्कारी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। ऑल द बेस्ट। हमें केक लगे वैसा कुछ तो बनाना ही होगा। काश हमें पता होता कि मिस बेटी को एग्जैक्टली क्या पसंद है। ये वही ना बात, हमें जीतने के लिए मिस बेटी के सबसे फेवरेट केक बनानी होगी। भाइयों, कमरे में कोई नहीं है, चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ढूंढो जिससे हमें उनकी फेवरेट चीज पता चले। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ए, ये देखो भाइयों, मिस बेटी की बचपन की तस्वीर है। इनका चेहरा तो देखो। रुको, ये क्या है? चेहरे पर खुशी तो देखो, शायद मुझे पता चल गया कि इनको कौन सा केक पसंद आएगा। स्पैचुला, ब्लेंडर, हथौड़ा, औरा, स्पंज। ठीक है, हमने केक बना लिया, अब पकने का इंतजार करते हैं। हमारा केक तैयार है, ये चॉकलेट केक। केक कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो एक्रोबैट, फिर कुश्ती और अब जादू के खेल। वाह, ये तो केक निकला, अब चॉकलेट निकालो। एक बर्थडे केक, वाह, ये तो काफी ओरिजिनल है। क्या इतना सड़ा रिएक्शन? समझ नहीं आया, हमने बिल्कुल वैसा बनाया जो इस फोटो में। हाँ, लेकिन वो केक को नहीं बल्कि इस डॉल को देख रही थी। अच्छा है, जैसे कोई सादा चॉकलेट केक। बाकी केक देखते हैं। भाई अब तोड़ फोड़, गॉड्स को मैं संभाल लूंगा। तो कौन जीता कॉन्टेस्ट? डाल्टन्स कॉन्टेस्ट जीत गए हैं संस्कारों से। चलो भाई, असली केक तो अभी बनाना। अरे आटा किसके पास है? आटा मैं गूंदूंगा। लगता है सर्कस के शो के बाद डिनर का भी आयोजन किया गया है। अब हमें बस अंदर जाना बाकी है। चला। डाल्टन्स ने कितनी संस्कारी मेहनत की है, काश वो ये सब देखने यहाँ पर मौजूद होते। हम यहीं पर हैं मिस बेटे, तैयार रहना भाई, अब पतली गली पकड़नी है। तो ये है आखिरी कर्तव्य, इसके अंदर जरूर कोई तरकीब होगी। है ये तो अपने डाल्टन्स हैं, मजा आएगा अब। बस भाई थोड़ी देर और, बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। शायद तुम्हें कुकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं क्रीम धूप से पिघल जाती है। हम उसका पीछा करते हुए आ गए। गार्ड्स, जाओ इन्हें कूलर में रख दो। नो, प्लीज इन्हें संस्कारी सजा देना। तुम ये केक नहीं खा सकते, चलेगा। हर बार मेरा ऐसा क्यों होता है?
ओहो, आज शुक्रवार का दिन है। हर शुक्रवार को सूप बनाना यही हमारे संस्कार है। हाँ, मुझे सूप पसंद है। पूरे शरीर को ताकत मिलती है और पेट भरा हुआ हो तो भागने का ख्याल भी नहीं आता। मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। वाह, क्या बात है, एवरल को आज किचन में ड्यूटी मिली है। मेरे फेवरेट सूप का दिन है आज। कहने की कोशिश मत करना वरना डिनर में पत्थर दूंगा तुम्हें। मैं सब्जी लेकर आता हूँ, तब तक तुम पानी उबाल देना, समझ गए ना लंबूचंद? पालक, अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अचानक खुजली क्यों आ रही है? खुजली, सहा नहीं जा रहा। एवरल, ये लो, ये पत्तियां सूप में डाल दो जल्दी। अरे नहीं, रेसिपी का ये हिस्सा नहीं है। जितना का उतना करो, कोई शक? आ जाओ भाइयों, आज सूप अनलिमिटेड है। धक्का मुक्की मत करो, पहले तुम्हारे जेलर को तो चखने दो। जरा मैं भी तो चख लूं। अरे लेकिन मुझे भूख लगी। खा सकता इसे घोचो। देखो वो पत्तियों ने इन पर क्या असर किया है। जेलर साहब, अगर लोई की चीज हो तो मजा ही आ जाए, जैसे कि चाबे। जल्दी चलो। डाल्टन्स भाग रहे हैं। चलो खुजली, अब मेरा मतलब जल्दी करो। हम लोग आजाद हैं, अब लोग। अरे मैं सैंडविच लाया हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल आजादी की तरह है। अरे नहीं नहीं, ये तो सूप से बने हैं। चक्कर। गांव का सरदार, वही मदद कर सकता है। इसका मतलब जेल में सभी की यही हालत है। इन्हें बिजी रखो, मैं जेलर को जेल में मिलकर आता हूँ। लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इस बीमारी का जादुई इलाज है। खुजली हो रही है? तुम्हें खुजलेरिया हो गया है। खुजलेरिया, ये कैसी बीमारी है? हाँ, खुजलेरिया संक्रामक बीमारी है। पहले खुजली शुरू होती है, फिर वो दिमाग तक पहुंच जाती है और खुजाते खुजाते उंगली एक कान से दूसरे कान पार हो जाती है। क्या कोई संस्कारी इलाज है? लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इसका जादुई इलाज है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें देनी होगी। जो भी है, फर्क नहीं पड़ता। हर शुक्रवार को हम सूप पीने आएंगे, जेल के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, मिस पेटी के ट्यूशन आएंगे और तुम्हारे कंट्री क्लब के लाइफटाइम मेंबर्स बन जाएंगे। गोबर का लेप लगाना होगा, इससे स्किन सॉफ्ट बन जाती है। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। काय का, यहाँ तो खुजली बढ़ती जा रही है। क्या बात है, खुजली बंद हो गई। इसका इलाज सिर्फ एक ही बार होता है, फिर से खुजलेरिया हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ टाइम खुजाते रहना पड़ेगा तुम्हें। जब तक सरदार वापस नहीं आते, ये ऐसे ही नाचते रहेंगे। ऐला दिमाग का इस्तेमाल। बस अब बात हुआ, सच्चा जादुई इलाज बताओ कोचो।
तुम्हें खुजली मिटाने वाली जड़ी बूटी खानी होगी। अरे वो जो हमारे जेल में उगती है क्या? हाँ लंबू चांद, जल्दी जेल वापस चलो। नहीं, तुम्हें खुजलेरिया हुआ है इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हमने तो इलाज करवा लिया जेलर साहब। हमें अंदर जाना ही होगा। रसोईया आ गया, दरवाजा खोलो। यही मौका भैया। वो जड़ी बूटी ढूंढना चालू करो। सावधान डाल्टन। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, जड़ी बूटी मिले तो ही अपनी शक्ल दिखाना। यहाँ यहाँ एक आखिरी पौधा है। फिर से एक पहले के। अरे पौधा नहीं विलियम, आखिरी पत्ता। ला 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 लो ला 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 ला। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है। ब्रेड की क्वालिटी खराब आती है। क्या हम खुद का ब्रेड नहीं बना सकते? हमारे पास गेहूं है, हम संस्कारी आटा तो बना ही सकते हैं। तो आटा बनाओ, तुम्हारे संस्कार कब काम आएंगे? ब्रेड बनाने में कोई मदद चाहिए? ताकि तुम जैसे लोग भाग सको। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये तो इसलिए क्योंकि हमें आटा गूंथना आता है। क्या बात है, मुझे तुम्हारी संस्कार बहुत पसंद आए। थैंक यू। इन पर नजर रखना ठीक है? तो नॉट भारी है। हम आटा बनाएंगे, लेकिन हमने ये पहले कभी नहीं किया भाई। चुप रहो, ये मस्त वाला आइडिया है। कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? एक रॉकेट मिल गया, इंजन चालू करो। आइडिया क्या है भाई? ये पहिया देख रहे हो, इन्हें यहाँ लगाएंगे और फिर पश्चिमी हवा की मदद से भाग जाएंगे। प्लान है तुम्हारा? अरे यहाँ बर्फ गिर रही है क्या? चप्पल गंजू, सो रहे हो का? गुनिया खुद ब खुद गाड़ी में बैठ जाएगी। ए टोपी, यहाँ वापस आ जा। चलो निकलते। आइडिया काम कर गया, अब मिलेगी आसानी। ये तो पूरी चक्की उठा ले गए। हाँ अरे जल्दी चलो, हम लोग के ब्रेड बटर का सवाल है। देखा भाइयों, मेरा आइडिया कितना स्मार्ट है। लेकिन हमें ब्रेड बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं वो खरीद सकता हूँ। इस बार तो वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, कोई शक। आटे से रास्ता बना गए, पकड़ना तो हो गया है इजी। एक हंटर को सुई करने का भी आवाज नहीं करना चाहिए। और वक्त आने पर हंटर को हथियार भी उठा लेने चाहिए। चलो गाड़ी को घुमाओ। नहीं हो रहा, रफ्तार बहुत तेज है।
इन्हों ने तो गांव के लालों को सफेद में तब्दील कर दिया। गांव वाले हार गए हमसे। अरे भाइयों, क्या करना पसंद करोगे? गांव वालों की मार खाना या खाई से नीचे गिरना? ये गाड़ी बड़ी अच्छी है। मेरा रॉकेट लॉन्च हो गया, अब मैं मेरे प्लेनेट जा सकता हूँ। जो अब मैं थक गया। शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। अरे शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही अच्छे डॉगी हो। भागना शुरू कर दो। इससे अच्छा तो हम शांति से आटा बना लेते। ओ देखो एंजल्स। तुम डाल्टन सच में हमारे ब्रेड और बटर हो। ये लट्टू सा सूखा ब्रेड और पानी। तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है, तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो, मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर है। मम्मी, क्या आइडिया आया है? हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भैया। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना, खाने और भागने में सब जायज है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसे हरकत करके आपने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। चुंग चिंग चुंग। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर्स चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। डांट ये देखो, नहीं सुधरेगा। Yes.
सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। यस। साला ये कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यार, अम्मा तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इसे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से। वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। बताओ आइडिया किसके पास है? मैं, मेरे पास है, मेरे पास। हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? मेरे पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या जो? तुम चारों बेवकूफ, डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रेस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा। इसके पास तो नूडल्स है, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी, क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माता जी ने पैरों में पायल पहनी हुई है। अपने हाथ ऊपर करो। इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो, क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी, ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग फू की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़ा क्यों धोते हो? अरे भाइयों ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम इस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है, डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन माँ की डांट जो खाते हैं वो तो है। हमारी जेल में आपका हार्दिक स्वागत है मुखौटा चंद जी। हर रोज हमें आप जैसे कैदी नसीब नहीं होते। एक्चुअली मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी, समझ ही गए होंगे। ये खोच कौन है? मुखौटा चंद एक प्लास्टिक सर्जन है जो गैर कानूनी दवाइयां इस्तेमाल करने के सिलसिले में अंदर आया है। ये किसी की भी शक्ल वैसे एक चाकू से बदल सकता है। फिर तो एक मस्त वाला आइडिया आया। अरे ये प्लास्टिक सूजन क्या होता है? प्लास्टिक से अपनी शक्ल बदलना? बस एक ऑपरेशन। ऑपरेशन? लेकिन मुझे तो खून से डर लगता है। कभी शक्ल देखी आपने? इन्हें पहले कहीं देखा लगता है। हाँ मैंने भी। अरे कौन है ये? ये हम है घोंचू, शक्ल देखने जैसी नहीं है। हमें ऐसी शक्ल चाहिए जिससे लोगों को हम पर भरोसा हो, और फिर उस भरोसे की मदद से हम यहाँ से भाग जाएंगे, समझे? और फिर हम आईने में शक्ल भी देख पाएंगे। मुखौटा चंद को ऑपरेशन करने बोलते हैं।
कैसे दोस्त, हम डाल्टन्स हैं और हम चारों को मिलाकर 3,000 साल की जेल हुई है। मैं हूँ डॉक्टर मुखोटाचंद, 6,000 से भी ज्यादा ऑपरेशंस अकेले ने किए हैं। हमें इस बारे में बात करनी थी, तुम हमारा ऑपरेशन करके हमें कुछ ऐसा बना सकते हो क्या? ऐसा? तुम्हारा ऑपरेशन वो भी यहाँ? ये काम मुश्किल है और उसके लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। अरे मुझे नहीं करना, मुझे खुद से डर लगता है, मुझे मेरी शक्ल भी पसंद है। असिस्टेंट एनेस्थेसिया प्लीज। परफेक्ट, अब काम जल्दी होगा। एक एनेस्थेसिया कम लगेगा डॉक्टर। हो गया, आज से नई जिंदगी शुरू। अरे वाह, ये शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन ये स्माइल जबरदस्ती की तो नहीं लग रही है ना, कोई शक? नहीं, अच्छी लग रही है। डॉक्टर मुखोटाचंद, आपको ये कुल्हाड़ी शोभा नहीं देती, अपनी थोड़ी एनर्जी बचा कर रखो, जानते हो ना क्यों? आओ मेरे साथ। हाय, गुड मॉर्निंग डाल्टन्स। ये इनकी शक्ल कुछ अलग क्यों लग रही है? मेरा इन पर भरोसा बढ़ रहा है। काम कर गया, मैं सही था। भाई बॉल लेकर आ। डाल्टन लोग थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या डिफरेंस है। तुम्हारा मतलब वो पसंद आ रहे हैं? उपसे, देखिए ना, मैंने भूल से बॉल दीवार के उस तरफ फेंक दी है। पता नहीं, लेकिन दिल से आवाज फूट रही है कि भरोसा कर ले इन पे। और इनकी स्माइल तो देखो ना, कैसे बोले इन्हें। बहुत देर हो गया, अभी तक आए नहीं। ए भाइयो, यकीन नहीं हो रहा कि हम आजाद हो गए। चलो कोई बैंक लूटते हैं। ए भाइयो, अब हम भागना बंद कर दे क्या? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें बंदूक भाड़े पर चाहिए। हाँ, जरूर, ऐसी स्माइल को कौन ना बोल सकता है। कौन सा खाता खुलवाना है? हाँ, चोरी का खाता, सारे पैसे दे तो जल्दी। तुम और चो? मजाक कर रहे हो। हम डाल्टन्स हैं, खूंखार डाकू डाल्टन्स। डाल्टन्स? लेकिन उनके बाल काले हैं, गंदी शक्ल है, दुष्ट भयानक, तुम्हारे एकदम अपोजिट हैं। आगे बढ़ो प्लीज। हम डाकू डाल्टन्स हैं। मम्मी, हम घर आ गए। माँ ने भी हमें नहीं पहचाना। हंस हंस के मेरा मुंह दर्द कर रहा है। ठीक है, हमें हमारे पुराने चेहरे वापस चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, 24 घंटा में आ तो गए, लेकिन बॉल किधर है भाई? बॉल फिर बाहर चला गया। ठीक है, लेकिन इस बार जल्दी आ जाना। लगता है डाल्टन्स भाइयों के साथ कोई और भी था। गार्ड्स, क्या तुमने मुखोटा चंद को देखा? अगर मिले तो कहना कि वो समझ जाएगा। हमें हमारे पुराने चेहरे वापस चाहिए, समझा क्या? इसमें डाकू वाली फीलिंग ही नहीं आ रही हमें। बैक टू बैक ऑपरेशंस रिस्की हो सकता है। हमें डर नहीं लगता। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी ओरिजिनल शक्ल याद नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैंने ड्राइंग बनाई है। अच्छा, डॉक्टर, मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें तो पता है मैंने कैरिज्मेटिक चिन्ह मांगी थी, लंबी नहीं।
बिका हुआ माल वापस नहीं लेते, लेकिन आप नया माल ले सकते हो अगर चाहो तो। वैसे ये ऑफर हमारे लिए भी है क्या? पहले तो तुम हो कौन? देख नहीं रहा क्या? हम डाल्टन्स हैं। डाल्टन्स? सच्ची मुच्ची? एवरल, हमें जेल में और 3,000 साल काटने हैं। उतने समय में तुम ड्राइंग क्यों नहीं सीख लेते? और इस नए डिवाइस का नाम क्या है? टेलीग्राफ, संस्कारी वैज्ञानिक आविष्कार। और काम कैसे करता है? मशीन पे कोड से संस्कारी मैसेज लिखो और फिर वो इन तारों पर रेंगते रेंगते पूरे देश में फैल जाएगा। हाँ, समझ गया समझ गया। वाह, मुझे नया खंबा मिल गया। अरे ये इतने सारे खंबे क्यों गाड़े हैं मेरे भाई? मिस बेटी ने कहा ना, ये सारी वायर्स पूरे देश में जाती है। मस्त वाला आइडिया है। एवरल, चलो जल्दी चलो। अरे मैं नहीं जा सकता, कोई चीज बीच में अटक रही है। तो चीज किसको बोला रे? यहाँ तो काफी जगह है। चलो जल्दी करो, ये आगे बढ़े तो मैं चलू ना। मुझे डर लग रहा है। चलो चलो, चलो। हो गया, अब तुम सब वायर की मदद से नहीं भाग पाओगे। अरे क्या हुआ भाई? जो का आइडिया यूनिक नहीं था, इसीलिए दुखी है। इन्हें किसी काम में बिजी कर दो। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। देखा आपने, बैठे बैठे संस्कारी शॉपिंग हो सकती है। सब अपने लिए शॉपिंग करेंगे और हमेशा बिजी रहेंगे। बहुत अच्छे मिस बेटी, मजा आ गया। सबकी शॉपिंग लिस्ट ले आए पीट? हाँ ले आया, और ये तो सिर्फ आधी है, आधी बाद में लाता हूँ मैडम। भाई देखो, सामान आ गया। तुम्हारे लिए भी मंगाया था, जरा देख के बताओ कैसा लगा। चेस की कुकड़ी। बाकी की चेस कहाँ पर है भाइयो? खोचो, भागने का कोई प्लान सोचो। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्रिकेट की मैच चल रही है। बैट्समैन ने घुमाई बैट और बॉल है हवा में, लेकिन संस्कारी फील्डर बॉल के बिल्कुल नीचे है। कैच पकड़ेगा या छोड़ेगा? अरे ये लोग तो आगे निकल गए। और ये उप्स, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मिस बेटी, अगर आप चाहें तो मैं कर लूं क्या? मैं कोर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ये लो बाकी के बचे हुए ऑर्डर्स। अरे हमें नहीं पता था कि तुम्हें याद आता है जो। चुप हो जाओ एवरल, ये सब इसलिए क्योंकि मस्त वाला आइडिया आया है। देर रात होने पर जब गार्ड्स चले जाएंगे, हम वायर से भाग जाएंगे, समझे? डाल्टन्स भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। वो कोई इतने भी असंस्कारी नहीं है जेलर साहब। देखा, मुझे पता था। सिंगल वायर से लेट हो रहा था, डबल वायर से जल्दी काम होगा, कोई शक? आओ, तभी तो कोर्ट्स जल्दी जाएंगे। बढ़िया। हाई स्पीड कनेक्शन, मजा आ गया। डबल वायर कर दो जल्दी से। 2 किलो आइसक्रीम चाहिए, पिछले महीने की मैगजीन। खंबे से उतर जाते हैं।
कूद जाते हैं। लटकना ही ठीक है। बस करो लंबू चांद। और कितनी दूर है? बस पहुंच गए। खंबा दिख रहा है ना? मुझे पता था। सबसे पहला रूल, डाल्टन्स पे भरोसा मत करो। मिस बेटे। हाँ जेलर साहब। मेरे लिए मैसेज टाइप करो। डाल्टन्स भाग गए हैं। आजादी। अब चुप रहो एब्रल। अरे मैं नहीं कर रहा। के लिए बहुत जल्दी आ गए बरखुरदार। हाय 200 किलो आइसक्रीम की डिलीवरी है। नाम क्या है? जाकल लबर तुम डम्मा के एड्रेस है ये क्या? माफ कीजिएगा एड्रेस गलत है। गुड बाय। 100 किलो बिरयानी की डिलीवरी है। नाम क्या है? जेकुल जाकट दरम। मैंने 50 डिब्बे अचार की डिलीवरी लाई है। डाल्टन्स को यहाँ लेके नहीं आता। हर बार नहीं क्यों? मेरे प्यारे कैदियों, एक खुशखबरी है। आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। काम करने के लिए एक रेल रोड कंपनी को अपनी नई लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए। आप थक जाएंगे। पैसे तो बिल्कुल ही नहीं है। और आप लोग नींद को तो भूल ही जाना। मुझे स्केप्स प्लान को बढ़ावा नहीं देना है। तो कौन कौन करना चाहेगा? हम करेंगे डाल्टन्स। वाह जो डाल्टन, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास आओ। एक अतिकल अरे एक मस्त वाला आइडिया है। इधर आ। समझ गया भाई, चिंता मत करो तुम। एक बार हम बाहर गए तो पहला मौका देखते ही भाग जाएंगे। मेरे भाई इतने समझदार क्यों नहीं है? अरे जब पटरियाँ हम बना रहे हैं तो हम उसका रास्ता चेंज करके जेल के आर पार निकल सकते हैं। जब काम हो जाएगा तो ट्रेन पकड़ेंगे और आजाद है। एंटी काल्पनिक विचार। ट्रेन में खाने का डिब्बा तो होगा ना? जैक मेरी तरफ से एक मस्त बजाओ। थैंक यू। थोड़ा आराम कर लो, कल बहुत मेहनत करनी है। उठ जाओ डाल्टन्स, हमें बहुत दूर तक जाना है। उठ जाओ तुम सब। मेरा नाम है प्रिया पटरीवाला और मैं ये रेलवे ट्रैक्स की चीफ इंजीनियर हूँ और तुम सब मेरी निगरानी में काम करोगे, समझ गए? ये तो और आसान हो गया। माँ भी लड़की है, वो इतनी आसान नहीं है। माँ लड़की नहीं है, वो हमारी माँ है। साइलेंस डेंगू चांद। मैं बता रही हूँ कि मेरी निगरानी में मुझसे सहन नहीं होते हैं दुबले लोग, छोटे लोग, आलसी लोग और तुम तो सबका मिश्रण हो। काम बिल्कुल इजी है। तुम्हें पटरियाँ रेल रोड कंपनी के मैप के हिसाब से लगानी होंगी। वैसे यहाँ से जेल कौन सी तरफ है मैडम? पश्चिम की तरफ, वहाँ। और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ। चलो अब काम पर लगो टिंगू चंद। तैयार हो भाइयों? चलो इस नक्शे का थोड़ा नक्शा बदलते हैं। बात है, तुम चारों को सीधा जाना नहीं आता क्या? मैप को फॉलो करो, जल्दी से पटरियां उठाओ और काम पर लग जाओ। मैप 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 ने तो दिमाग खराब कर दिया। आ जाओ। मैम आपके लिए गर्मा गर्म कुरियर आया है, देखिए। ओ, ये कितना क्यूट है, किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये नया मैप है जो भेजा है रेल रोड कंपनी वालों ने। अभी ये फॉलो करना। देखिए यहाँ कंपनी का सील भी है। मैप में चेंजेस है। अब हम जाएंगे पश्चिम की तरफ।
कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मुझे डायनामाइट पसंद है। पापा, डाल्टन्स जेल में नहीं है तो कितना मजा आ रहा है। रेल रोड सीधा सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या कहा? अब चौंकना मत, लेकिन नए मैप के हिसाब से रेल की पटरी जेल से होते हुए जाएगी। लेकिन 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 जी हाँ, तुम्हारे जेल को ट्रेन की आदत डालनी पड़ेगी। तैयार हो भैया, चलो ये वाली पकड़ते हैं। इसके बाद वाली पकड़ते इसके बाद वाली पकड़ेंगे। 2 बजे वाली लगता है आज जल्दी आ गई। स्पेशल डिलीवरी टिकट प्लीज। जी वो तो मैंने कहा था टिकट्स लगेंगे हमें। बस बहुत हुआ, मैं फोन करता हूँ, या तो स्टेशन रहेगा या तो जेल। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। चलो हम 10 बजे वाली पकड़ेंगे। तुमने टिकट्स ली क्या? हाँ, मुझे फैमिली डिस्काउंट भी मिला। ये तो जा रही है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे बंदू, इसके लिए समय नहीं है। टाइम पे पकड़ ले। सुहाना जेल यात्रा में आप सबका स्वागत है। क्या मजाक है, भूलना मत जाते वक्त दरवाजे पे चंदा देते जाना। एक जेल थीम पार्क, क्या आइडिया सोचा है आपने मिस बेटे? ये तो बस मेरे और मेरी माँ के संस्कार है। एवरल, तुमने ये टिकट्स कहाँ से ले? जेलर साहब से मेरे भाई। ओ देखो बेटा, जेल के असली कैदी है। मेरे साथ ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही क्यों? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने 46 किलो साबुन का भी ऑर्डर दिया था। सरकार खर्चे में कटौती कर रहे हैं जेलर साहब, मालूम? लगता है इस महीने भी कोई नहीं नहा पाएगा। हमारे संस्कार नहीं है। एक आइडिया है, क्यों ना कैदियों को साबुन बनाना सिखा दे, वो अपना साबुन खुद बनाकर नहा सकेंगे। परफेक्ट, और तब तक मैं इस कटौती का कुछ रास्ता निकालता हूँ। साबुन बनाने के लिए चाहिए पर मैं पर्सनालिटी एवरल परफ्यूम, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट और ग्रीस भी चाहिए, और तेल तो किचन में से ही मिल जाएगा। ओह, लिखा है कि यही ऊप्स, ये हमारे संस्कार। हम जेल उड़ा देंगे। ध्यान दो ताकि हम ढेर सारा साबुन बना सके, समझे? समझाता हूँ। बड़े संस्कारी हो जो। ये साबुन तो काफी टेस्टी है भाई। बुलबुले बनाना बंद करो और जितने ज्यादा हो सके उतनी टिकिया बनाओ, रात को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ज्यादा? हमेशा ज्यादा, हर बार भाई को ज्यादा क्यों चाहिए होता है?
मुंह से बुलबुले निकाल रहे हैं। कैसा हुनर लेके पैदा होते हैं। तुम लोग संभालना वरना ये फट जाएगा। पक्का? ये तो साबुन है। चुप हो जाओ, मैंने कहा ना ये फटेगा और आज रात को ही फटेगा। बाकी तीन भाइयों में क्या टैलेंट हो सकता है देखना पड़ेगा। तैयार। क्या साबुन फटा क्या ना? लेकिन क्या ऐड करें? सैम से पूछ सकते हैं, उसे सब पता होता है। अरे जो हकलाता है वो। तो ये है इसके पैदाइशी होने का राज। ओ नहीं, ये तो सिम कार्ड। नहीं, ये सिम क्या है? सिंपल है, बस इसमें टाइम लगता है। जाने दो सैम, हमारे पास 700 साल जितना वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच। यार काम करते हैं, आज रात मिस बेटी की बुक चुराते हैं, उसमें बॉम्ब की कोई रेसिपी जरूर होगी। उसे गिरने मत देना। गोचू, तुम कितना खाना खाते हो? ज्यादा नहीं, बस सैंडविच, बर्गर, ओट्स, नूडल्स, चपाती, दाल, चावल, तीखा मसाला, पापड़ और कुछ 20-25 साबुन की टिक्कियां। मुझे लगता है मिर्च मसालों की वजह से साबुन का फ्लेवर बदल गया। मेरा लाडले भाई, तुम तो होशियार निकले। और दिखाता हूँ, ये है वो पदार्थ। देखो भाइयों, साबुन में लाल मिर्च मिक्स करेंगे तो एवरल के पेट में आग लगेगी। चलो भाई, पेट में जगह बनाओ और ये खाओ, ज्वालामुखी बनाओ। जल्दी दरवाजे की ओर पकड़ के रखना। ये तो नहीं फट रहा, आग क्यों नहीं निकल रही? शायद मिर्च इतनी तीखी नहीं होगी मेरे भाई। इस बुलबुले से दरवाजा खोलो। हवा में उड़ने का हुनर तो कबूतरों के पास भी होता है वह। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन हम आजाद हो गए। क्या साबुन सुनामी? लोग आधी रात को कोई नहाने जाता का? इतना सारा साबुन। मजा आ गया, हमारे जेल को स्वच्छता में फर्स्ट प्राइज मिला है और कटौती भी हटा दी गई है, सब तुम्हारी वजह से डाल्टन्स। 10-10 दिन तक ना आते नहीं और फर्स्ट प्राइज। तुम्हारे भाग जाने का सपना हमेशा बुलबुलों की तरह फट जाएगा। बुलबुला फटेगा।